अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोबी व्लॉग्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं आज आपके लिए एक और मज़ेदार स्पाइसी रेसिपी लेकर आई हूँ, शिमला मिर्चों और आलूओं की एक डिफरेंट और मुनफरिद स्पाइसेस के साथ, जिसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। शिमला मिर्चें और आलू बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लाइट से कलर का फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम डार्क कलर का इसे फ्राई नहीं करेंगे। जब इस पर लाइट सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें 2 से 3 आलू शामिल कर लेंगे। आलू शामिल करने के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है। इस यहाँ पर जब हम आलू ऐड करेंगे तो इस फ्लेम को लो कर लेना है और कवर करके इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो आलू हैं वो हमारे गल जाएं। अब हम इसमें एक या आप 2 टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इन्हें हमने इस तरह से स्प्रेड करके अगेन से लो फ्लेम पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारे टमाटर जो अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे और 3 से 4 चुटकी के बराबर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इस रेसिपी का, आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और एक डिफरेंट और टेस्ट भी आपका इसका बहुत डिफरेंट आएगा और मज़े का आएगा, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आमचूर और स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जब स्पाइसेस अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इसमें 2 से 3 हम शिमला मिर्चें ऐड कर लेंगे। शिमला मिर्चें ऐड करने के बाद इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी अदरक हम ऐड कर लेंगे। अदरक ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके अगेन हमने लो फ्लेम पर पका लेना है कवर करके। बहुत ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे क्योंकि शिमला मिर्चें फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। लास्ट पर इसे हम धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप इसे स्पेशली अगर सुबह नाश्ते के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये मज़ेदार रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है।